आज मैं आपको सिखाऊंगी एक आसान और चेंज फ्लेवर की मज़ेदार स्नैक की रेसिपी, जिसे आप टी टाइम में भी बना सकती हैं और रमज़ान में इफ्तार में भी बनाई जा सकती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्याज दरमियाने साइज़ की। सिंपल जैसी कटिंग करते हैं प्याज की, वैसे ही मैंने करी है लंबाई में, लेकिन बस थोड़ा सा मोटा रखा है। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है एक आलू दरमियाने साइज़ का, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट लें स्ट्रिप की सूरत में। देखिए मैंने आलू को कितना बारीक काटा है, इस तरीके से काटिएगा। और इसके बाद इसमें हम मसाला डालना स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, यानी अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है मैंने। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया 1 टेबल स्पून चॉप हुआ हुआ, हरी मिर्चें 2 चॉप हुई हुई, ये बीज के साथ ही मैंने चॉप कर ली थी 2 हरी मिर्चें। इसके बाद डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून प्लेन। इस रेसिपी के अंदर मिर्चें ज़रा तेज़ी रखिएगा क्योंकि ये स्नैक स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ज़रा स्पाइसी रखा है मैंने इसे। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इसके बाद डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून प्लेन, नमक टू टेस्ट लीजिएगा। नमक के बाद डालेंगे इसके अंदर हम ऑयल 1 टेबल स्पून। इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये काम स्पून से नहीं होगा, लाजमी आपको हाथ से मिक्स करना है ताकि प्याज और सब चीज़ों में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये एक बहुत ही अलग फ्लेवर की रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर हम बेसन यूज़ नहीं करेंगे, मैदा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि चावल का आटा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत चेंज होता है, बिल्कुल फ्लेवर अलग होता है और बहुत मज़े का होता है। तो अब देखेंगे अच्छी तरीके से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो अब मैं 3 टेबल स्पून स्टार्टिंग में डाल रही हूँ और भर के डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून, और छिड़क के डालेंगे लाजमी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो चावल का आटा ऐड करेंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून डाला है भर के, और डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ। इस रेसिपी के अंदर डो बनाने के लिए पानी बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि प्याज के अंदर भी ऑलरेडी पानी होता है, छोड़ देती है प्याज, और इसके अलावा आलू में भी होता है, तो इसलिए हम पानी बहुत कम यूज़ करेंगे और हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर जो है वो चावल का आटा डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। तो टोटल इस रेसिपी के अंदर 6 टेबल स्पून चावल का आटा यूज़ हुआ है। अब दोबारा से हम जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टिकी सा डो होगा, यानी हाथों पे चिपकेगा इसका डो, इस तरीके का डो होगा इसका। मिक्स कर लिया है, उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। पानी इसमें बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आप जो है वो एज रिक्वायर्ड डालिएगा, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना डालिएगा पानी। और बहुत थोड़े से पानी से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका जो है एक डो बना लेते हैं अच्छा सा। अब देखिए इस तरीके से डो रेडी हो गया। उसके बाद हम हाथ से लेंगे और इसे हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये सब चीज़ें जुड़ जाएँ इसके अंदर, ज्वाइंट हो जाएँ। और उसके बाद जो है इसकी हम बॉल बनाएंगे और उसके बाद इसे प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे 1 बाय 1 बना लेंगे। और अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की है कढ़ाई क्योंकि मैं डीप फ्राई करूँगी इनको। आप चाहें तो कम ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डीप फ्राई करा है इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक पीस, जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम जो है इसके अंदर सारे जो है अपने मज़ेदार स्नैक्स को डालेंगे। इस पीस को फ्राई करने के लिए मैंने हाई फ्लेम कर दिया है ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। तो देखें फ्राई हो गया है। इसके बाद हम डाल देते हैं ऑयल में, कोई भी चीज़ डालें एहतियात से डाला करें। तो 1 बाय 1 सारे डाल देंगे। और अब बात कर लेते हैं कि हम कितनी हीट पे यानी फ्लेम पे पकाएंगे इन्हें। तो हम दरमियानी आँख के ऊपर इन्हें पकाएंगे क्योंकि इनके अंदर आलू जो है वो कच्चे हैं, और दूसरी बात ये कि जो चावल का आटा है वो थोड़ी देर के अंदर गोल्डन होता है, इसलिए मीडियम फ्लेम रखिएगा पूरी रेसिपी के अंदर फुल। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे तब इन्हें हम निकालेंगे।
अब देखिए अभी ये जो है वो गोल्डन तो हो गए हैं लेकिन बहुत लाइट गोल्डन हुए हैं, इन्हें हम मज़ीद गोल्डन करेंगे। और ये एक साइड से हो गए तो इन्हें पलट देते हैं दूसरी साइड से ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। अब ये हमारी बहुत ही इजी और मज़ेदार स्नैक की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है क्योंकि ये गोल्डन हो गए हैं कम्प्लीट। फिर निकाल लेते हैं हम सर्व करने के लिए। मैंने सारे निकाल लिए हैं, देखिए कितने अच्छे गोल्डन हुए हैं। और इनका फ्लेवर बहुत ही चेंज होता है जो कि बहुत मज़े का लगता है। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।